मणिपुर सरकार वालों पंजाब दे विच भ्रिष्टाचारी खत्म करन दे वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं और इस दे नाल पंजाब दे विच भ्रिष्टाचारी नूं लैके कई जिहड़े है सीनियर अफसरां नूं जिहड़ी है गिरफ्त लिता तो इस दे नाल नाल दूजे पासे सिक्ख्या दे म्यार उच्चे चक्कण दे दावे करन वाले वह सिक्ख्या दे विच वी जिहड़े वड्डे कपड़े होंदे खुलासे होंदे नज़र आ रहे हैं। आ साडे नाल इक अध्यापक ने वह लगातार जिहड़े खुलासे कर रहे हैं। यह फिरोजपुर दा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल लड़कियां दा तां तुहानू दिखा दिए रिहायशी विद्यालय होस्टल है। इस होस्टल दे विच आरोप लग रहे ने कि कई तरह के जिहड़े कपड़े ने रंग रोगन नू लैके फर्नीचर बनाने और कैमरिया के जिहड़े है वड्डे कपड़े होए ने तां गलबात करन दे नाल नाल तुहानू असीं तस्वीरां भी दिखावांगे किस किस जगह ते किवें कपड़े होए ने तां गलबात कर लैने आ। तां तस्वीरां च तुसीं देख सकदे हो ये जिहड़े है जिला योजना विकास बोर्ड वालों दिते गए फंड है उहदी लिस्ट है किहड़े किहड़े फंड दिते गए ने तां पहला जानकारी लैने आ। सर स्कूल किहड़ा है तां किस वल्लों जिहड़ी है कपड़ेबाजी की जा रही है? ये फिरोजपुर शहर का सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़के उत्थे आपां खड़े हाँ और इस स्कूल का प्रिंसीपल है सरदार जगदीपाल सिंह जिहड़ा कि अपने नियमों मुताबिक ये अपने नियम ने यह किसी सरकार के किसी अफसर के कोई नियम नहीं मानता। आ जो मैं तुहानू सर्टिफिकेट विखा रहा ये जिला योजना के विकास बोर्ड वालों 10-10 लाख दीआं 2 ग्रांटां मिलियां सीगियां जिहदा इसने UGC दिता विआ ये दे चुका। ये मैं RTI च इन्हां तों मंगिया DO प्राइमरी तो भी और BPO दफ्तर तो भी हजे जिहड़ा विकास बोर्ड इन्हां तों मैं RTI पाई है वह मैनू अगले हफ्ते वह मिल रहा। जिहड़ा कुछ मैनू मिलिया उहदे विच मैं तुहानू हजे मोटी जी गल दसदा एक सैकंड नहीं है इत्थे है जी 10 लाख की ग्रांट है ये 21-12-21 कैशबुक के इन्होंने की है तो काम शुरू किया 30-12 और काम समाप्त किया जी 31-8-2022 ग्रांट हैगी जी 10 लाख की। जो काम किया प्रिंसीपल ने अपना सर्टिफिकेट दिता कि स्कूल बिल्डिंग की उसारी कि नवी कोई बिल्डिंग की उसारी की गई है ग्रांट हैगी जी 10 लाख इतने लिखता काम मुकम्मल है ये साइन ने प्रिंसीपल दे ब्लैक प्राइमरी सिक्ख्या अफसर। 10 लाख का जिहड़ा तुसीं UC दित्ती है ये काम स्कूल दे विच होया? यही मैं तुहानू दसना चाहुंदा जी एक सैकंड ये तो अजे 10 लाख की है एक 10 लाख की होर है वो आई है जी कैशबुक के मुताबिक इन्हां दी 11-1-22 काम शुरू किया जी 7-3-22 ते काम कंप्लीट किया 31-8-22 ये भी 10 लाख की ग्रांट है जी और ये भी नवी उसारी दी है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और इको गल ही है ये भी ये साइन ने और जिला एजुकेशन अफसर प्राइमरी एलीमेंट्री इन्हां ने दिती है। मैं ये कह रहा कि 20 लाख दे विच इन्होंने ये कहा कि मैं नवी उसारी की आ मैं यही तुहानू बेनती करदा कि स्कूल दे विच तुसीं वेखो कि 20 लाख की कि उसारी की है। इस तो बाद की जी तुसीं होर वड्डे जे कपड़े जिहड़े तुसीं आरोप लग रहे हैं कि बिल्डिंग की रंग रोगन की गल की जाए फर्नीचर की गल की जा रही है वह की है सारा मामला? वो देखो जी जिहड़ा रंग रोगन दा सी आपां होस्टल 'च खड़े हाँ ये 1,17,980 का इन्होंने उन्होंने चैक कट के दिता फर्म नूं पुगल पेंट नूं और घट्टो घट साल 1.5 साल के करीब ये पैसे पै रहे हैं। जदों मैनू इस गल का पता लगा मैं DO प्राइमरी नूं सैकेंडरी नूं शिकायत की मैं 3-5 नूं शिकायत की आ इहनू पता लग गया दफ्तर तो इहनू पता लग गया और आज शिकायत दी बिल्कुल जी शिकायत की कापी भी जी है उच्च अधिकारियों जी सिक्ख्या बोर्ड में कर भी चुके हैं लेकिन कितने ना कितने जे सिक्ख्या विभाग वालों कोई भी हजे तक एक्शन नहीं लिता गया। 2.5 महीने हो गए जी 3-5 की मैं शिकायत की है जिला सिक्ख्या अफसर दी है हजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उत्ते और जदों मैं 3-5 शिकायत की इनू पता लग गया दफ्तर तो इनू किसी ने दसता जनू पता लग गया इन 5-5 इन जिहड़ा रंग रोगन करना शुरू किया और मैं ये पूछना चाहुंदा कि जिहड़ा साल 1.5 साल 1,17,980 रुपया रहा इहदी जेब च रहा जां दुकान वाले च रहा? तुसीं बैंक दा कि रिकॉर्ड तुहाडे कोल हैगा है तां उह तुसीं दिखाउण दी कोशिश करो लोकां नूं आपां दसीए कि किस तरह जिहड़े है कि कपड़े होए ने 1 साल पहलां जिहड़ी पेमेंट है पुगल ब्रदर्स नूं कर दित्ती जांदी है लेकिन किसे तरह का कोई पेंट वगैरह नहीं हो रहा। इह किन्ने चिर बाद जिहड़ा है कि रंग रोगन होया? ये तकरीबन 1.5 साल तो उत्ते ही है जी। एक सैकेंड एक मिनट तस्वीर तुहानू दिखाने की कोशिश करांगे कि ये जिहड़े रिकॉर्ड है रिकॉर्ड भी जिहड़ा तुहानू नाल दिखा रहे हैं कि ये देख लो
कि आ जो निशान लगे हुआ है 1 लाख के वध जे पैसे कटाए गए हुए हैं। तो सर फर्नीचर जरा है कि इतने नहीं लगे, तो आप तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करिए कि अंदर जाके किस तरह दशमेश फर्नीचर उस जी ये टोटल बन गए 1,68,534। तस्वीर तुम देख सकते हो दशमेश स्टील फर्नीचर हाउस है, उससे भी जो है कि पेमेंट जी चाहे कदों की पेमेंट गई हुई है 2021 की पेमेंट गई है, नवंबर 21 गई है, लेकिन हजे तक काम नहीं हुए। आके वेख सकते तस्वीर भी दिखावांगे कि अज जे कि खुलासे किए जा रहे हैं कि इस बिल्डिंग वास्ते जो है कि गरीब बच्चे इस होस्टल च रहते हैं, उन्होंने रहन सहन के वास्ते कमर के कई तरह के फर्नीचर बनाए जाने से, होस्टल के जी स्टीली अलमारी बनाई जाती सी, बच्चों के जोड़े है जरूरी सामान ने वो जरा इतने रखा जाए। तो तस्वीर दिखाने की कोशिश करा, ये अलमारियाँ जिते बनिया जिस स्टीली अलमारियाँ बनिया सगिया, पर हजे तक इतने किसी तरह का भी कोई फर्नीचर लग्या नज़र नहीं आ रहा। सर मौका पर देख रहे हैं इतने हजे किसी तरह कोई फर्नीचर वगैरह नहीं लग, बिल्कुल नहीं। 11-21 के पैसे जोड़े इस फर्म को दे चुके जी 1,68,534, पर हजे तक तुम वेख सकते हैं कि हजे तक फर्नीचर नहीं आया। इवें पेंट के इन्होंने पैसे जोड़े कढ़ाए थे 1,17,980, वह जो मैं शिकायत की है मेरा 3-5 जो मेरी शिकायत दफ्तर पहुंची आ, इनू पता लग गया तो 5-5 इन्हें काम शुरू किया, क्योंकि जेड़े कच्चे बिल दुकान वाले ने दिते ने कापी मिली। कि चेर तो जोड़े प्रिंसीपल जोड़े इतने तैनात ने तकरीबन लगभग 5 या 6 साल तकरीबन लगभग, मैं पूरा कन्फर्म तो नहीं, तकरीबन 5 तो 6 साल हो गए। जी कपड़ेबाजी है उदों तो ही चलती आ रही है, उदों तो ही जदों के प्रिंसीपल बने ने उदों तो ही अपन मनमर्जियां। मैं तुम्हें अगे भी दिखाया सी, चाहे मुलाजमान की तनखाह का मसला हो, सरकार की लैटर भी नहीं मानते। बिल्कुल इस दसे जा रहे सीसी कैमरों भी लैके जिते बच्चों की जी है कि सुरक्षा लैके जो कैमरे लगाए जा रहे थे वो भी जे उस भी कपड़े कोई हुए है कि भी तकरीबन 35,000 रुपया इस फंड निकलिया कि बच्चों की सिक्योरिटी लैके कैमरे लाने ने। अज की डेट च नहीं लगे, अज हुण जदों असी कर रहे हैं तो मैनू भी पता लगा कि कैमरे वाले भी आ गए ने, ते प्रिंसीपल दफ्तर च बैठा अपने चहेतियां नू लैके जिहड़ा रिकॉर्ड है उहदे विच भी तोड़ मरोड़ कर रहा। और मैं पहला भी बेनती कर रहा कि विजिलेंस नू इह केस दिता जाए तो सारा स्कूल का रिकॉर्ड जिहड़ा सील किया जाए और उस तो बाद जी इनक्वायरी शुरू हो। बिल्कुल एक तस्वीर तुम्हें होर दिखावे शिकायत तो बाद जे कैमरे लगाने वाले जे अज इतने पहुँच चुके हैं, तो तस्वीर तुम देख सकते हो ये जे तस्वीर देख रहे हो। ये सर किन्ने चेर बाद पेमेंट करने तो बाद आए हैं सर? ये भी साल तो उत्ते हो गया जी तकरीबन अंदाजा साल तो उत्ते है जी। शिकायत तो बाद अच्छे सामने है जी। बिल्कुल ताज़ी तस्वीर तुम देख सकते हो, कैमरे जोड़े है पेमेंटा जड़िया साल साल पहला हो चुकिया ने, लेकिन अज जोड़ा है कैमरे फिट करने इतने पहुँचे ने। तो सर कैमरे फिट करना आए हो? मैं नहीं पता जी किए हो। मैं मुंडे ना। बिल्कुल तुम देख सकते हो कैमरे फिट करते जड़े है लड़के कुछ बोलने लिए तैयार नहीं है, पर इतने जड़े है एक अध्यापक है लगातार जड़े है स्कूल के प्रिंसीपल के खिलाफ खुलासे किए जा रहे हैं। सर होर की जड़े कप्पेबाजी हुई है दसा जा रहा है कि इतों के जो स्टाफ को तनखा भी नहीं दी जा रही है? तनखा भी दी नहीं जी, पिछले 3 महीने हो गए जी। सरकार ने ग्रांट भी देती है और सरकार ने चिट्ठी भी जारी की है कि कोई भी DDO किसी भी मुलाजम की तनखा नहीं रोकेगा। उसके बावजूद भी 12 तरीक तक तनखा नहीं मिली। 12 तरीक नूं इन्हां इंपलाई ने DO प्राइमरी सैकेंडरी नूं लिखती शिकायत की आ। DO सैकेंडरी ने भी इन्हां नूं प्राइमरी ने भी इन्हां नूं आदेश दिते ने कि तनखा जल्दी दिओ और कल तक तनखा इन्हां दे खात्यां हजे तक भी नहीं सी आई। मैं तां ही कहा सी इह ना किसे अफसर दी मानदा ना किसे सरकार दे हुकम नूं मानदा। प्लीज़ साडी बेनती आ कि इहो जिहे भ्रिष्ट बंदे नूं नत्थ पाई जाए अते जिहड़ा अपने आप नूं स्टेट अवार्डी कहिंदा उस अवार्ड की भी इनकुआरी की जाए ता कि वो भी यहोजे कपड़े निकल गए और यहोजे जोड़ा अवार्ड है वो मैं तो कहना बस अंतमान जोड़ा है कि एक ईमानदार सरकार लैके आए ने दस रहे हैं कि पंजाब के भ्रिष्टाचार को खत्म किया जाएगा, तो तुम की मांग करोगे उन्होंने? मैं सूबे के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जिन्हों की बहुत ही उच्ची तो सुची सोच है वो उस सोच मुताबक काम कर रहे हैं। असी उन्होंने सलाम करते हैं, असी उन्होंने कदर करते हैं उन्होंने सोच न। और साडे सिक्ख्या मंत्री नौजवान सिक्ख्या मंत्री सरदार हरजोत सिंह जी बैंस जिन्हों की उच्ची सुची सोच जेडे प्रिंसीपलों नूं बाहरले देशों का भी दौरा करा रहे हैं और उत्थों का सिस्टम विखा रहे हैं कि बच्चे किवें पढ़ते हैं किवें स्कूल सिस्टम है कि ताकि असी अपने पंजाब के बच्चों भी उन्हों का हाणी बनाईए।
उन्हां दी सोच नूं भी सलाम है। और जिथे वो ये इन्ना प्रशंसा जो काम कर रहे हैं उत्थे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है बैंस साहब नूं भी कि इहो जिहे भ्रिष्ट जिहड़े और निकम्मे जिहड़े ना सरकार की मन्नण ना किसी अफसर की मन्नण इहो जिहे प्रिंसीपल नूं तुरंत नत्थ पाई जाए और सारे स्कूल का जिहड़ा रिकॉर्ड है चाहे मिड डे मील का है चाहे होस्टल का है चाहे ए एफ फंड घट्टो घट 70-80 लाख रुपया ए एफ फंड चुन खर्चा सारे बिल सारा कटेशन सब की बरीकी ना CBI तो अपने बिजनेस जांच कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल देखो तुम देख सकते हो कि एक अध्यापक वालों लगातार जोड़े है कि स्टेट अवार्डी ने फिरोजपुर के सरकारी सीनियर स्मार्ट स्कूल लड़कियों के बड़े खुलासों का जोड़ा इन्होंने उजागर किए ने और दसे ने कि किस तरह जोड़े स्कूल के जी है भ्रिष्टाचारी हुई है और भ्रिष्टाचारी लगाम लगाने के लिए इन्हों वालों जोड़े है कि स्कूल का रिकॉर्ड जोड़ा जब्त किया जाए ताकि पता लग सके किन्ने लख का जोड़ा पंजाब सरकार को चूना लग चुका है और किस तरह की जी भ्रिष्टाचार रही है उसू उजागर किया जा सके। फिरोजपुर तो कहना पसंद जगदीश कुमार जी फैक्ट न्यूज़ जिथे इन नौजाली दे लगी है और दूसरा पेज ਇਸੇ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਦੋ ਸਿਰਫ 5-7-6 ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆਹ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਹ 1:24 ਪੇਂਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਕ ਉੜ ਜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਿਤੀ 21-10-2021 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 21-10-2021 ਨੂੰ 1,17,980 ਰੁਪਏ ਇਨ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਗਲ ਪੇਂਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 10-1-22 ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ 2021 ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਪੇਂਟ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ ਇਉਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂ ਲਗਾ ਦੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ 3 ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ।